देश भर में लगभग सभी राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। जी हाँ, गर्मी के बाद बारिश का मौसम जितना सुहावना उतना ही नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि इसी मौसम में सबसे ज्यादा डेंगू, मलेरिया और फ्लू जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण मच्छरों की भरमार और संक्रमण युक्त चीजों का सेवन है। दरअसल बारिश में सब्जियों और फलों में छोटे छोटे कीड़े पनपने लगते हैं। धीरे धीरे ये कीड़े प्रजनन करते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ने लगती है। इसलिए एक्सपर्ट बरसात में कुछ ऐसी चीजों को न खाने की सलाह देते हैं। अब सवाल ये है, आखिर बारिश में किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज ऐसी है जो नुकसानदायक है, जानिए ई रेडियो इंडिया की 5 टिप्स। नंबर 1, हरी पत्तेदार सब्जियां। डाइटिशियन श्रद्धा श्रीवास्तव बताती हैं कि बरसात के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के अनुकूल नहीं होती, इसलिए जितना संभव हो पत्ता गोभी, साग, पालक आदि का सेवन ना करें। बता दें कि मानसून का तापमान बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ावा देता है, इसमें पेट से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ता है। ऐसे में करेला, घिया, तोरी और टिंडा जैसी सब्जियां बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं। नंबर 2, तली और मसालेदार चीजें। बारिश शुरू होते ही ज्यादातर लोग तली और मसालेदार चीजों का सेवन शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसे करना गलत है। आपको बता दें, तला हुआ और मसालेदार भोजन शरीर में फैट और पित्त को बढ़ावा देता है। ऐसे में जितना संभव हो तली और मसालेदार चीजों के सेवन से परहेज करना चाहिए। इस तरह की चीजें डायरिया और डाइजेशन को खराब करने में बढ़ावा देती हैं। नंबर 3, सलाद। डाइटिशियन के मुताबिक सलाद में कच्ची सब्जियों का यूज होता है। बरसात में ये कच्ची सब्जियां खाने में बैक्टीरिया और छोटे जीवाणु के प्रवेश को मिलता है, जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। इसलिए बारिश के मौसम के दौरान सलाद खाने से बचना चाहिए। हालांकि सलाद की जगह आप उबली और पकी हुई सब्जियां खा सकते हैं। ऐसा करने से हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद मिलती है। नंबर 5 है सी फूड। बरसात के मौसम में कई चीजों की परहेज की सलाह दी जाती है, इनमें सी फूड भी शामिल है। सी फूड जैसे कि मछली और प्रॉन्स हैं। दरअसल मानसून में समुद्री जीवों के लिए प्रजनन का समय होता है, इसके बाद इनकी संख्या तेजी से बढ़ोतरी होती है। ऐसे में इनके सेवन से फूड पॉइजनिंग खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें, ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपाई के लिए डाइटिशियन की सलाह से चिया सीड्स, नट्स और सीड्स का सेवन आप कर सकते हैं। नंबर 5, दही और मट्ठा। बरसात के मौसम में दही और मट्ठे के सेवन से भी बचना चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक इस तरह की चीजें प्राकृतिक और ठंडी होती हैं, ये साइनसाइटिस को बढ़ावा देती हैं, इससे हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा ज्यादा फ्रिज में रखी चीजें के खाने से बचना चाहिए।